नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं टोटली एक नया टॉपिक के ऊपर बेस करके वीडियो बना रहा हूँ। आज को जो मेरा मेन टॉपिक है, स्टॉक कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन इस मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही होता है तो आप एक अच्छा रिटर्न इस मार्केट से इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ही गलत हो जाता है तो आप यहाँ पर कभी भी मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, वो भी एक दिन पहले। मतलब आज को मुझे काम करना है, मैं अगले दिन रात को ही मेरा स्टॉक कैसे सिलेक्ट करके रख सकता हूँ, आज का वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा, कोई भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इफेक्टिव भी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ चार्ट को ओपन किया हूँ। अभी मेरा सामने एक चार्ट खोला है 16 फिन का। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मैं कौन सा टाइम फ्रेम को लगाया हूँ, मंथली। जस्ट एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक में मैं मंथली चार्ट को खोला हूँ। मुझे एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को समझना है, जो एक्चुअली मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कोई भी स्क्रिप्ट का। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए देखिए, हम लोग को सबको पता है रेड कैंडल मतलब सेलिंग के लिए, मतलब यहाँ पर ये बियरिश कैंडल है और ब्लू कैंडल बुलिश कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है ब्लू बुलिश कैंडल है, और रेड कैंडल बियरिश कैंडल है। ट्रेंड कैसे पता चलेगा, सपोज मैं इस कैंडल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो कैंडल है ये वाला, सपोज ये वाला कैंडल, इस कैंडल का जो बॉडी है, सिर्फ बॉडी को देखिएगा। इस कैंडल का बॉडी कहां पर है, इसका लो है यहां पर और इसका हाई है यहां पर। ओके, इस कैंडल, ये जो कैंडल है ये क्या कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट जो कैंडल बना है रेड होके बना है, और ये कैंडल का जो क्लोजिंग है इसका बॉडी को तोड़ के नीचे आ गया, मतलब यहां पर मार्केट में बेयरिश कैंडल आ गया, ये भी बेयरिश कैंडल है। ओके, अब ये कैंडल क्या है, ये बुलिश कैंडल है, सिर्फ ग्रीन है। इसके लिए बुलिश नहीं बोल रहा हूं, उसका एग्जांपल आपको बाद में पता चलेगा। इसका जो बॉडी है इसका ऊपर इसका क्लोजिंग चला गया, मतलब ये एक बुलिश कैंडल चला गया। तो ये बेयरिश था, ये बुलिश है, ऑब्वियसली ये तो बुलिश है ही। तो मैं मंथली चार्ट में कोई भी एक स्क्रिप्ट का देखूंगा जो उसका ट्रेंड किधर है। तो मुझे 16 फिन में पता चल गया जो मंथली में इसका बुलिश ट्रेंड है। अब मैं इसका वीकली चार्ट में खोलूंगा, ये देखिए उसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, ये भी बुलिश है। अब ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल तो रेड था, बट क्या ये एक्चुअली बेयरिश था? इस कैंडल का लो का नीचे आपको देखना है, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ था कि नहीं। तो ये कैंडल भले ही रेड हुआ है बट ट्रेंड का हिसाब से दिस इज नॉट बेयरिश ट्रेंड, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड है। फाइनली मुझे अभी का जो कैंडल है उसको देखना है। तो वीकली में मुझे अभी दिखाई दे रहा है जो मार्केट ऑलरेडी बुलिश में है, मतलब मंथली में मुझे मिल गया ट्रेंड बुलिश है, वीकली में मुझे मिल गया ट्रेंड बुलिश है। अब मैं आऊंगा डेली में। डेली मतलब इस कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल को नहीं देखिएगा क्योंकि आज का कैंडल है 24 तारीख का, मुझे 23 तारीख का कैंडल दिखाई देगा। अगर मैं अगले दिन का रात को प्रेडिक्शन करूंगा तो मुझे 23 तारीख का कैंडल दिखाई देगा। तो ये जो कैंडल है ये देखिए, पिछले जो कैंडल बना था रेड कलर का, मतलब ये बियरिश था, यहाँ पर मार्केट बियरिश ट्रेंड है। अभी बियरिश ट्रेंड कब शुरू हुआ था, ये जो कैंडल है इसका लो कौन तोड़ा था, देखिए ये कैंडल रेड है बट ये बियरिश ट्रेंड नहीं है, ये भी बियरिश ट्रेंड नहीं है, यहां से बियरिश ट्रेंड आ गया क्योंकि ये कैंडल इस कैंडल का लो का नीचे आ गया था, ऑब्वियसली ये भी बियरिश कैंडल है। बट कल का जो कैंडल बना 23 तारीख को, ये मुझे दिखाई दे रहा है इसका, इसको तोड़ के ऊपर चला गया, मतलब कल को मुझे पता चल गया जो 16 पिन में बुलिश ट्रेंड आ गया। तो ये मंथली, वीकली एंड डेली, ये तीन में आपको ये ट्रेंड को पकड़ लेना है। अगर कोई भी स्क्रिप्ट का ये तीन अलग अलग टाइम फ्रेम में सेम ट्रेंड पता चल गया आपको, तो ये चीज़ एक आइडिया देगा जो नेक्स्ट डे भी ये एक बुलिश ट्रेंड होने वाला है। तो आज को मैं 16 पिन का चार्ट खोलूंगा, ये आज का चार्ट है। देखिए मैं आज का चार्ट को जस्ट 5 मिनट के हिसाब से मेरा सॉफ्टवेयर पे देखा हूं, दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। अब मुझे 23 तारीख रात को पता चला था जो ये आज को बुलिश ट्रेंड देने वाला है, बट आज को इस चार्ट खोलने का बाद मुझे क्या देखना है, सॉफ्टवेयर में क्या देखना है। सबसे पहले देखना है मेरा आरजीबी का रूल।
अगर आरजीबी का रूल पता नहीं है मेरा वीडियो में, अब नया देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, काफ़ी सारा वीडियो से पता चल जाएगा। आरजीबी का हिसाब से मार्केट बुलिश होना चाहिए, तीनों टाइम फ्रेम मैच हो गया, वो आपको कल को प्रिडिक्शन मिल गया वो ओके है, बट आज को ओपन होने के बाद पहले देखिए आरजीबी का फॉर्मेशन में क्या 16 पिन अभी भी बाइंग ट्रेंड है। अगर बाइंग ट्रेंड है तो ये मैच है, बट ट्रेड करेंगे कब? इसमें देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल बना है इसका ऊपर में आपको एक येलो लाइन दिखाई देगा, इसका नीचे भी एक येलो लाइन है जिसका वैल्यू आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। एक वैल्यू ऊपर में लिखा है 793.8, एक वैल्यू नीचे लिखा है 787.6। तो ये बाय का कॉल मैं तभी पकड़ सकता हूँ जब ये ऊपर का येलो लाइन को तोड़ेगा, मतलब कौन सा 793.8, मतलब यहां पर आपका ट्रेड लगेगा। तो क्लियर हो गया है, अगले दिन तो मुझे पता चल गया इसका ट्रेंड। आज को कैसे पता करेगा? इस चार्ट को मैं 5 मिनट के हिसाब से खोला हूं, सिंपली आरजीबी को फॉलो किया और फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ने के बाद ही ट्रेड करना है, उसका पहले नहीं। फर्स्ट कैंडल का हाई यहां पर तोड़ा है, इस कैंडल का वैल्यू मैं 794 पे देख रहा हूं और मेरा ग्रीन डॉटेड लाइन का वैल्यू है 799, मतलब ये जो 5 पॉइंट का मूवमेंट है ये आपके लिए सियोर शॉट है। सियोर शॉट मतलब देखिए 100% सियोर शॉट कुछ भी नहीं होता है, बट ये काफी इफेक्टिव है। तो ये देखिए ये 5 रुपया का मूवमेंट दिया, ये 16 पिन का फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर में 5 रुपया का अहमियत आपको भी पता है जो कितना है, और अभी भी ये बाइंग ट्रेंड में ही है आरजीबी का हिसाब से। तो ये जो टेक्निक है काफी इफेक्टिव है, इसको आप यूज करके देखिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए मंथली ट्रेंड में लगाया हूं, इसमें मंथली में मार्केट बुलिश में है, मैं वीकली में लगाया हूं, वीकली में भी बुलिश में है। देखिए ये जो कैंडल है रेड बना है, बट ये कैंडल इस बुलिश कैंडल का नीचे नहीं आया है, इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ट्रेंड बियरिश में नहीं आया है। लास्ट कैंडल तो ग्रीन ही है, तो ये वीकली में आ गया। डेली में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए डेली में ये कैंडल बियरिश था, ये 23 तारीख का कैंडल है, मतलब ये कैंडल मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश हो गया, क्योंकि इसका ये जो कैंडल है इसका ऊपर चला गया। तो कल को मुझे ये चीज पता चल गया जो मार्केट बुलिश में है कल को। आज को इस कैंडल को मैं छोड़ देता हूं, आज को क्या हुआ है मैं सॉफ्टवेयर पे देखूंगा। अब ये कैंडल तक मुझे पता चल जा रहा है अगले दिन। आज को मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हूं एज पर 5 मिनट। अब ये 5 मिनट का आज का चार्ट है, देखिए ये आज का फर्स्ट ओपनिंग यहां पर हुआ था, दिस इज द सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल ने ही येलो लाइन को तोड़ दिया, मतलब इस हिसाब से आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं। और आरजीबी को ऑब्वियसली देख लेना है, आरजीबी का हिसाब से मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, बाइंग ट्रेंड है। और मैं अगर ये येलो लाइन के ऊपर बाय करता हूं, येलो लाइन का वैल्यू राइट साइड में देखिए लिखा है 38,779.8, मैं 780 पकड़ लेता हूँ, 780 के ऊपर आपको बाय करने के लिए बता रहा है। और अभी भी एक ग्रीन डॉटेड लाइन का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 993, मतलब ये इसका रेंज है। तो अभी तक ये रेंज तक फुलफिल नहीं किया, 16 फिन तो फुलफिल कर दिया था, ये अभी भी फुलफिल नहीं किया, मतलब अभी भी ये मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो ये 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर खींच सकता है। तो ऑलरेडी देखिए मार्केट में एक रैली देखे जा रहा है, अगर आप 780 का ऊपर भी बाय कर रहे हैं तो अभी भी 898 का वैल्यू चल रहा है, तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही है। तो ये जो लॉजिक आपको समझाया ये काफ़ी इफेक्टिव है, आप एक बार प्रैक्टिकली इसको ट्राई करके देख सकते हैं। पिछले दिन में मतलब आज को जब 24 तारीख है, आज को मार्केट खत्म होने के बाद आप ऐसे ही जैसे मैं मंथली वीकली एंड डेली का जो ट्रेंड फिल्टरेशन का टेक्निक समझाया उसको कर लेना है, और ऑब्वियसली इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कैंडल रेड होता है, रेड होने का मतलब ये सेलिंग हो जाना ऐसा नहीं। जैसे ये जो कैंडल है इस कैंडल का, ये जो एक बियरिश कैंडल है क्योंकि इस कैंडल का लो का नीचे आ गया था, बट इसका बुलिश पकड़ने के लिए इसको पकड़ना पड़ेगा, ये बुलिश नहीं है। इस कैंडल का बॉडी का ऊपर जब ये कैंडल जाएगा तब ये बुलिश पकड़ेगा, ये रेड है बट दिस इज नॉट बियरिश ट्रेंड, ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ये रेड है बट बुलिश ट्रेंड है, बियरिश इस कैंडल का नीचे जब ये कैंडल आया। तो इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। तो कैसा लगा ये टेक्निक जरूर कमेंट करके बोलिएगा, कोशिश करूंगा ऐसे ही कुछ नया नया टेक्निक आपको आप लोग को समझा पाऊँ, आप लोग को बेनिफिट दे पाऊँ, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और भी इस मार्केट रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरा चैनल पर जाके देख सकते हैं, या मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मन में जो भी डाउट है क्वेरीज है आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।